गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ, तो आप देखना चाहेंगे क्या है ये। ये है मेबलिन का न्यू लॉन्च हुआ है, ये मेबलिन का 24 मैट कवर फाउंडेशन। ये ऐसे ट्यूब फॉर्म में, ये थोड़ा सा गंदा हो चुका है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, तो इसलिए गंदा हो चुका। तो ये है 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन। तो इसको मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। इसका पैकेज देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि ये कितना गंदा हो चुका है, तो मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं इसी से ही मतलब की हूँ मेरा फेस। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैं देखना चाहती थी कि ये वैसे ही फाउंडेशन के जैसा है या उससे ज़्यादा कवरेज देता है या क्या कवरेज देता है। तो इसमें लिखा गया है ये SPF 16 PA++++, 3+ है। तो ये बहुत मतलब सन डैमेज से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन, हाई कवरेज, नेचुरल रिजल्ट। तो ये हाई कवरेज देता है और मैट फिनिश देता है और नेचुरल रिजल्ट देता है। तो इसका बात कितना सही है आप मेरा फेस देख के पता लगा सकते हैं कि इसका बात कितना सही है या गलत है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इसका लॉन्ग वेयर तो पता नहीं क्योंकि मैं बस अभी 2 घंटा ही हुआ लगा के बैठी हूँ, तो अभी तक मुझे पसीना नहीं आया है। तो लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन, हाँ मैट फाउंडेशन ये है। कवरेज बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने अभी लगाया है, तो मेरे इस साइड में थोड़ा डार्क स्पॉट है, इधर भी है, सर के पास भी था थोड़ा फोरहेड में, तो वो सब कवर हो गया है। लेकिन इसके नीचे मैं कलर करेक्टर भी यूज़ की हूँ। तो ये खाली फाउंडेशन इतना कवर नहीं करता है, मीडियम कवरेज देता है। लेकिन अगर आप कुछ भी मतलब कलर करेक्टर यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा कवर करता है, मतलब डार्क सर्कल हो या डार्क पैचेस हो या डार्क स्पॉट हो, बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। लेकिन इसके नीचे आपको प्राइमर लगाना पड़ेगा। अगर आप प्राइमर नहीं लगाएं तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये फाउंडेशन, मतलब कीकी कीकी फील आता है, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके नीचे आपको लगाना पड़ेगा प्राइमर, उसके बाद आप इसका बेस लगा के इसको पाउडर से सेट कर सकते हैं। तो इसका टेक्स्चर मैं बता देती हूँ आपको। टेक्स्चर कुछ ऐसा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी कुछ ऐसे है, बहुत अच्छे से बेंड हो जाता है। अभी आपको बहुत वाइट लग रहा होगा लेकिन ये मेरे मैच का ही है, मेरे मैच का ही है। तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छा फाउंडेशन, मतलब ट्यूब फॉर्म में है, बहुत हैंडी है। तो और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब मेरे हाथ में पूरा ये आ जाता है, देख सकते हैं आप पूरा ये आ जाता है। तो काफ़ी बड़ा है ये, कितना ग्राम का है मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी ये 35 ml का है, इधर लिखा है ये 35 ml। के पीछे में क्या क्या लिखा है मैं वो बता देती हूँ। 24 आवर मैट फिनिश एंड साइन कंट्रोल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट्स। फिर और आ जाता है कि आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर हाई कवरेज विथ सेकेंड स्किन फिनिश आपको देता है। नॉन कम्यूनिक है ये सेक, और लिखा है सेक विल बिफोर यू। इसको तो सेक कर ही नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो लिखा है तो फिर कर ही लेते हैं सेक। तो नॉन कम्यूटोजेनिक है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ऑयली स्किन के लोग अगर मतलब कुछ भी फाउंडेशन लगाते हैं वो नॉन कम्यूटोजेनिक हो तो फिर वो पोर्स में मतलब भर जाते हैं, वो छोटा छोटा पिंपल्स हो जाते हैं, बम्स जैसे हो जाता है आपके फोरहेड में या कहीं पे भी हो जाता है। तो नॉन कम्यूटोजेनिक प्रोडक्ट ही आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आप जो जानना चाहते हो वो भी आपको पता चला होगा। तो मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।